दिल्ली में चोरी की एक बड़ी वारदात हो गई, जहां पर निजामुद्दीन थाना इलाके में उमराव ज्वेलर को की शोरूम में चोर छत के रास्ते से अंदर दाखिल हुए और उसके बाद में करोड़ों की ज्वेलरी चोरी करके वहां से रास्ते से फरार हो गए। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची है, लगातार इस मामले को देखा जा रहा है। रिपोर्ट में देखिए पूरी कहानी क्या है। की घटना को अंजाम दिया गया है उमराव ज्वेलर्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इसी ज्वेलरी शॉप में जो है बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि चोर जो है पहले छत के दरवाजे का जो ताला है उसको तोड़ता है, उसके बाद वो अंदर सीढ़ियों के जरिए जो है ज्वेलरी शॉप के अंदर जो है एंटर करता है। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि जो चोर थे उनको पूरी तरीके से ये दिमाग में फिट था कि किस तरीके से कहाँ पर जाना है और कहाँ पर कौन सी चीज़ें जो है रखी हुई है। ऐसे में वो स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुँचते हैं और वहाँ पर भी वो हाथ साफ करते हैं। ऐसे में जो सूचना मिल रही है कि जो चोरी हुई है यहाँ पे वो 20 से 25 करोड़ की चोरी हुई है। ऐसे में जो ज्वेलरी शॉप की दुकान है यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि अंदर जो है फॉरेंसिक टीम, दिल्ली पुलिस की टीम जो है अंदर मौजूद है कि किस प्रकार से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, पूरी तरीके से जांच की जा रही है। ऐसे में अब पुलिस ने सीसीटीवी को भी कब्जे में ले लिया है और एक कोशिश की जा रही है जानने की कि किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया, कितना समय लगा, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि रविवार को जो शोरूम के जो ऑनर थे उन्होंने शोरूम बंद करने के बाद वो गए, सोमवार को छुट्टी थी, ऐसे में छुट्टी के समय शोरूम बंद रहता है और जब मंगलवार को यानी कि आज जब वो सुबह में जब वो शोरूम खोलते हैं तो इस तरीके का नज़ारा शोरूम के अंदर होता है कि सामान इधर उधर होता है, स्ट्रॉन्ग रूम को जो है वहाँ पे भी चोरी की जाती है, गैस कटर से या फिर किस चीज़ से इस्तेमाल करके वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि ऐसे बताया जा रहा है पहले छत पे पहुँचे, छत का ताला तोड़ के फिर वो अंदर तक पहुँचे। ऐसे में 20 से 25 करोड़ रुपए की चोरी की वारदात बताई जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस की तफ्तीश में क्या कुछ सामने आता है, आखिर कितने लोग जो है इसकी घटना में शामिल थे। कैमरामैन अनिल चौरसिया के साथ मैं अजीत, टोटल टीवी दिल्ली।